गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा आठवीं का पार्ट दो सुभान खान पाठ्य पुस्तक का पढ़ेंगे। बेटे इसको ध्यान पूर्वक सुनना, मैं थोड़ा सा तुम्हें ब्रीफ में स्टोरी बता देती हूँ, फिर हम इसका अभ्यास करेंगे। बेटा सुभान खान एक मुस्लिम मिस्त्री है जो मकान वगैरह बनाता है। उसका लेखक के घर बहुत आना जाना है, लेखक उनके त्योहारों में और सुभान खान लेखक के त्योहारों में आते जाते हैं। लेखक को बड़ी मुद्दतों के बाद मन्नतों से उसे मांगा गया था, तो वह उसको सुभान दादा भी खां भी बहुत प्यार करते थे। सुभान खान का मानना था कि रत्ती भर भी मजदूरी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, अपना काम दिल लगाकर करना चाहिए ताकि जो तुम मजदूरी कर रहे हो उसमें कोई कमी ना आए, और अगर तुम अपना काम दिल लगा के नहीं करते तो अल्लाह भी नाराज होगा। और उसकी एक ख्वाहिश थी हज पे जाने की और दूसरी अपने हाथों से मस्जिद बनाने की। सुभान खान ने मजदूरी करके अपने बच्चों को भी इस लायक बनाया, बच्चे भी नेक निकले, और उसने अपना पैसा इकट्ठा करके हज पर गया। और हज पर आने के बाद उसने अपने हाथों से एक मस्जिद बनाई जिस पर उसने बहुत बड़ा मनाया, और उसमें हिंदू हलवाइयों से तरह तरह की मिठाइयाँ पूड़ियाँ वगैरह बनवाई। उसने लेखक के घर में बगीचे में एक मंदिर भी बनाया अपने हाथों से। लेखक की नानी भी जब कोई होली दिवाली होती थी तो इनको सब सहपरिवार आमंत्रित करते थे और सुभान खान आकर वहीं पे दिन भर रहते थे, त्यौहार मनाते थे, खाना खाते थे उनका सब। तो इस तरह ये इस पाठ में दर्शाया गया है कि चाहे हिंदू मुस्लिम आपस में कोई भेदभाव नहीं करते थे, एक दूसरे का इंसानियत के नाते त्यौहार वगैरह भी मनाते थे। बेटा ये पाठ में समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अब हम इसका अभ्यास करने में करेंगे, इसको अच्छी तरह अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।